तो आ गए आप। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो, शहरों में तो जैसे पता नहीं रेस लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठा करेगा एज अ फाइन, और लोगों को भी पता नहीं क्या हुआ है, अपनी सेफ्टी की कोई परवाह ही नहीं है। अगर आप भी इनमें से हो तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज ऐसा मत करो, अपनी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिफोर यू बाय में, जहां आप जान सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपके वर्थ है या नहीं, आपने उसे खरीदना चाहिए या नहीं, वो भी बिना उसे खरीदे। अब आपको जॉकी और वाइल्डक्राफ्ट के ब्रांड के बारे में तो पता ही होगा, काफी वेल नोन है, पॉपुलर ब्रांड है। तो इन्हीं ब्रांड के मास्क को मैंने इस कंपैरिजन वीडियो में इंक्लूड किया है, साथ ही साथ मैंने इस फैल्कन ब्रांड के मास्क को भी इंक्लूड किया है। अब फैल्कन के बारे में बताऊं, फैल्कन इज इंडिया फर्स्ट कंपनी जो आपको 8 लेयर का मास्क प्रोवाइड करती है, तो यही एक रीजन था मैंने इस मास्क के ब्रांड को भी इस वीडियो के लिए इंक्लूड किया। कुछ इस तरह का मास्क है, आउटर लेयर मैश की है, ये फैल्कन की ब्रांडिंग स्ट्रिंग्स, और अंदर का जो ये मटेरियल भी है ये एकदम कॉटन का और एकदम सॉफ्ट है, और यहाँ पे ये नोज क्लिप है। बाकी ये भी कॉटन का लेयर है इनसाइड, और ये स्ट्रिंग्स, यहाँ पे वाइल्ड क्राफ्ट की ब्रांडिंग, और इसमें भी नोज क्लिप है। और इसमें नोज पिन नहीं है, फैब्रिक तो ठीक है, अंदर का मटेरियल भी कॉटन का है, पर ये है कि एक्स्ट्रा में हमें ये ईयर लूप्स मिलते हैं, जैसे साइज कम बड़ा अगर करना हो तो हम वो कर सकते हैं इससे। तो तीनों ही मास्क में हमें नोज क्लिप देखने को मिल जाती है। आप मुझे पता है कि मैंने अभी अनबॉक्सिंग में कहा कि जॉकी में नोज क्लिप नहीं था, बट जब मैंने पैक को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जी हाँ इसमें नोज क्लिप है। तो जैसा कि आप यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नोज क्लिप दिया हुआ है, पर बहुत ही हल्का क्वालिटी का दिया हुआ है, मतलब अच्छे से इसको छुओगे तो आपको फील होगा कि हाँ नोज क्लिप इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें नोज क्लिप दिया तो हुआ है, पर इतना अच्छा नहीं है जितना वाइल्डक्राफ्ट और फैल्कन में। बाकी और सिमिलैरिटी के बारे में बात करूं तो हमें तीनों ही मास्क में मोर देन 95% की PFE और BFE मिल जाती है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि क्या होता है, तो जैसे मान लो मैंने ये मास्क पहना हुआ है, अब जब मैं ब्रीथ करूंगा तो जो हवा जो आएगी वो पूरी फिल्ट्रेट होके आएगी, जो बैक्टीरिया और वायरस पार्टिकल होंगे अप टू 95% तक फिल्टर होके मेरे पास आएंगे। और नेक्स्ट सिमिलैरिटी की बात करूं तो तीनों ही मास्क अप टू 30 times आप इसे वॉश करके यूज कर सकते हैं। तो फाइनली जानते हैं कौन सा मास्क बेस्ट है, तो वो जानने के लिए मैं तीनों मास्क को 4 पैरामीटर्स पे टेस्ट करूंगा, क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी टाइम और कंफर्ट। वैसे एक टेस्ट आपके लिए भी है, लेट्स सी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या बस ऐसे देख के ही चले जाते हो। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो आप पास हो, अगर नहीं किया तो नहीं, मुझे विश्वास है आप चैनल सब्सक्राइब करके ही जाओगे। सो चलिए फिर अब फर्स्ट पैरामीटर से शुरुआत करते हैं, क्वालिटी की। तो हमें ये फैल्कन में 8 लेयर्स मिल जाते हैं, जॉकी में 7 लेयर्स मिलते हैं और वाइल्डक्राफ्ट में 6 लेयर मिलते हैं। एक चीज और कि ये जो फैल्कन और वाइल्डक्राफ्ट का जो मास्क है ये दोनों ही सिट्रा अप्रूव्ड है। सिट्रा है साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, अब ये गवर्नमेंट बॉडी है जो मास्क मेकिंग कंपनीज के मास्क के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाई करती है। अब जॉकी का मास्क उस लिस्ट में नहीं आता, तो आउट ऑफ 2 मेरी इन 3 मास्क के लिए रेटिंग होगी, फैल्कन को 2 पॉइंट्स, जॉकी को 1 पॉइंट और वाइल्डक्राफ्ट को 1.5 पॉइंट्स। तो बात करें प्राइस की, तो फैल्कन का एक मास्क पड़ेगा आपको 118 रुपीज का, जो सबसे लोएस्ट है,
प्लस 3 रुपीज कंपनी आपकी तरफ से इसे इंडियन आर्मी को कंट्रीब्यूट करती है, तो यू कैन फील प्राउड फॉर दैट। बस एक यही ड्रॉबैक है कि मिनिमम आपको ये 3 खरीदना पड़ेगा, सिंगल पीस में आप इसे ऑर्डर नहीं कर सकते। वेरेस बात करूं जॉकी की, तो जॉकी का मास्क भी आपको मिनिमम 2 पैक में खरीदना पड़ेगा, सिंगल पीस इसमें नहीं मिलता है। तो वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको ये मास्क 250 to 270 रुपीज का पड़ेगा, बट जब मैं इसे खरीदने जा रहा था तो मुझे 38 रुपीज का प्लस एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लग रहा था। तो डिलीवरी चार्ज बचाने के लिए मैंने इसे फ्लिपकार्ट से 249 रुपीज में ऑर्डर किया। वेरेस वाइल्ड क्राफ्ट की बात करूं तो वाइल्ड क्राफ्ट में 2 टाइप के मास्क आते हैं, एक W95 मास्क जो कि 100 रुपीज का आपको पड़ता है, और एक W95 प्लस मास्क जो आपको 133 रुपीज का पड़ता है। पर यहाँ पर भी एक कैच है, ये इतनी प्राइस का तभी आपको पड़ेगा जब आप इसे मिनिमम 3 क्वांटिटी में मंगाओगे। जब मैं इसे खरीदने जा रहा था तो मुझे 5% का बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट मिल गया, तो ये मुझे 190 रुपीज का पड़ा। तो फिर इसका प्राइस कंसीडर करते हैं 133 रुपीज। तो फाइनली प्राइस कैटेगरी में आउट ऑफ 2, फैल्कन के लिए 2 पॉइंट्स, जॉकी के लिए 1.5 पॉइंट्स और वाइल्ड क्राफ्ट के लिए 1 पॉइंट। सो डिलीवरी टाइम की बात करूं तो फैल्कन का मास्क तो सूरत में ही मैन्युफैक्चर होता है, बट जब मैंने अमेजोन पे चेक किया तो मुझे ये बता रहा था 4 to 8 डेज में ये डिलीवर हो जाएगा। तो इसका एवरेज निकाल के देखे तो एवरेज निकलता है 6 डेज, तो पकड़ के चल लो कि 6 डेज तक आपको ये डिलीवर हो जाएगा। वेरेस बात करें जॉकी के मास्क की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 25 सितंबर को इसे ऑर्डर किया था और ये मुझे डिलीवर हुआ है 1 अक्टूबर को, तो ये भी मुझे 6 डेज में डिलीवर हुआ है। वेरेस वाइल्डक्राफ्ट मास्क भी मैंने 25 सितंबर को ऑर्डर कर लिया था और ये मुझे डिलीवर हुआ 29th को, तो ये मुझे सिर्फ 4 डेज में डिलीवर हुआ है। सो डिलीवरी टाइम कैटेगरी में आउट ऑफ 3, फैल्कन और जॉकी के लिए 1.5 पॉइंट्स और वाइल्डक्राफ्ट के लिए 2.5 पॉइंट्स। कंफर्ट की टेस्टिंग में 3 चीज पे हम लोग टेस्ट करेंगे। पहला ये कि ब्रीदिंग के टाइम सफोकेशन होता है या नहीं, दूसरा यहाँ स्पेक्स पे फॉग जनरेट होता है या नहीं, और तीसरा यहाँ ईयर पे ज़्यादा देर तक पहनोगे तो ईयर्स पे स्ट्रेस पड़ता है कि नहीं, ये भी चेक करेंगे। तो ऑन स्केल ऑफ 3 कंफर्ट को रेट करेंगे। फॉग अच्छे से टेस्ट करने के लिए ऐसे चलते हुए तो पता चलेगा नहीं, तो हमें रुकना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 मिनट का स्प्रिंट ले लेता हूँ मास्क पहने हुए, और सारे मास्क के साथ यही कंडीशन रहेगा, तो ब्रीदिंग की भी टेस्टिंग हो जाएगी और फॉग की भी टेस्टिंग हो जाएगी। तो चलो फिर। तो आफ्टर 1 मिनट स्प्रिंट ब्रीदिंग भी थोड़ी हैवी हो गई है, तो मास्क में ब्रीदिंग इशू तो नहीं है, फॉगिंग इशू भी नहीं हो रहा है, जोर जोर से हैवी ब्रीदिंग ले रहा हूँ, फॉगिंग इशू मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अभी मैं लगभग इसको 40-45 मिनट से पहने हुए वॉकिंग कर रहा हूँ, ईयर्स पे मेरे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं पड़ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मास्क के लिए मेरी रेटिंग होगी 3/3, क्योंकि ब्रीदिंग भी हो रही है इजीली, और ये तो जो मैंने स्प्रिंट किया मास्क पहन के किया, बट स्टिल इसने अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को कोई सफोकेशन नहीं हो रहा, फॉग भी जनरेट नहीं हो रहा जैसा कि आप मेरे स्पेक्स पे देख पा रहे होंगे, प्लस ईयर्स पे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। अब जॉकी का मास्क देखते हैं। सो 1 मिनट हो गया, ब्रीदिंग और हैवी हो गई, ये मास्क की जो शेप हो रही है पता आपको चल ही रहा होगा, तो ब्रीदिंग में इसमें सफोकेशन का बिल्कुल भी चांस नहीं है, बहुत अच्छा हो रहा है ब्रीदिंग। फॉग का बात करूं तो रुक जाता हूँ, अब पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं, बट यहाँ चश्मे के साइड पे मेरे को फॉगिंग थोड़ी हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि इसका जो नोज पिन है वो थोड़ा हल्का है, स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है इसकी। अराउंड 40-45 मिनट्स तक मैं वॉक कर चुका हूँ एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी मेरे को स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, इनफैक्ट ये फैल्कन से भी ज़्यादा अच्छा है फॉर दिस स्ट्रेस। कंफर्ट में आउट ऑफ 3 इसको मैं पॉइंट दूंगा,
वन मार्क फॉर ब्रीदिंग, मतलब कोई सफोकेशन नहीं हुआ। देन वन मार्क फॉर द बेस्ट सपोर्ट ऑन ईयर्स, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा मेरे को। और फॉगिंग में आधा नंबर कटेगा, क्योंकि देखो यहाँ स्पेक्स की साइडों में यहाँ पे फॉग जनरेट हो रहा है। सो कंफर्ट में टोटल पॉइंट्स होते हैं इसके 2.5। तो अभी मैंने वाइल्ड क्राफ्ट का मास्क पहन लिया, तो इसका भी 1 मिनट हो गया पूरा, पॉज ले ले। तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इसी में भी नहीं है, सफोकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, इजीली आई कैन ब्रीथ। बट अगर आपको ये डिफरेंस बताऊं कि तीनों में से बेस्ट ब्रीदिंग थी, तो वो ऑब्वियसली जॉकी की थी। वेयर एज फॉगिंग का मैं आपको बताऊं तो पता नहीं आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, यहाँ पे मेरे को साइड में फॉगिंग इशू हो रहा है। तो इसको भी लगभग 40-45 मिनट्स तक मैंने वॉक किया है, बट इसमें मुझे ईयर्स पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है। मतलब अगर मैं अपना ध्यान ईयर्स पे ही रखूं तो मुझे पेन फील हो रहा है, बट इधर उधर ध्यान मैं कहीं पे भटका लूं तो मुझे पता नहीं चलता है। बट अल्टीमेटली स्ट्रेस तो पड़ ही रहा है। तो वाइल्ड क्राफ्ट के लिए मेरी रेटिंग होगी ब्रीदिंग के लिए 1 पॉइंट, नो सफोकेशन एट ऑल। फॉगिंग के लिए 0.5 पॉइंट कटेंगे, और ईयर्स पे जो स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए 0.5 मार्क कटेंगे। तो वाइल्ड क्राफ्ट का टोटल स्कोर होता है आउट ऑफ 3, 2। तो अब बात करें फाइनल स्कोर की, तो फैल्कन को मिलते हैं 8.5 पॉइंट्स, जॉकी को मिलते हैं 6.5 पॉइंट्स, और वाइल्ड क्राफ्ट को मिलते हैं 7 पॉइंट्स, प्लस 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर दिस क्लिप, जो ये फीचर प्रोवाइड किया कि आप पीछे भी इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। तो वाइल्ड क्राफ्ट का टोटल हो गया 7.5 पॉइंट्स। तो ये थी मेरी रेटिंग्स। और एक बात आपको क्लियरली बता दूं, ये वीडियो ना ही स्पॉन्सर्ड है, ना ही प्रमोशन वीडियो है, ये एक ऑनेस्ट और जेन्युइन वीडियो है, जो एक मैं एज अ कंज्यूमर आप सभी कंज्यूमर के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो आप अपनी सहूलियत से जो भी मास्क मंगाना चाहे मंगा सकते हैं। शॉपिंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब लिंक्स चेक कर लेना, जहाँ से भी आपको सस्ता मिले वहाँ से ऑर्डर कर लेना। तो बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करते हुए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।